इन बॉक्सर भैया। अरे वाह, सुबह सुबह क्या धांसू प्रैक्टिस चल रही है आपकी। बॉक्सर भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। अरे जल्दी बोल, मुझे प्रैक्टिस के टाइम पे टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बात कहे बॉक्सर भैया कि मैं और पतलू कमलपुर जा रहे थे, तो अगर कुछ घंटों के लिए आपकी कार मिल जाती तो। ये, ये, क्या? अरे मेरे पास आके मुझसे ही मेरी नई कार मांग रहे हो? ओए! अरे डरो मत, तुम दोनों को कमलपुर ही जाना है ना। मिनटों में क्या, मैं सेकेंडों में पहुंचा देता हूँ। ये लो! बॉक्सर भैया इतनी भी जल्दी नहीं थे। बॉक्सर के सीने में लगी आग में घी डालने का ये परफेक्ट टाइम है। वाह वाह बॉक्सर भैया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हुआ जो आपने मोटू पतलू को अपनी नई कार उधार नहीं दे। दोनों आपके सामने तो मीठे मिश्री बन के घूमते हैं और आपके पेट पीछे चुगली करते हैं। साफ साफ बता कि कहना क्या चाहता है। मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहता, पर सच भी नहीं छुपा सकता। मोटू पतलू आपके पेट पीछे आपकी भर भर के बुराई करते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो ना? यकीन नहीं तो आप छुप कर आजमा लो, उनको कार दे दो और कार में खुद छुप जाओ, फिर देखो वो लोग आपके बारे में क्या क्या बुराई करते हैं। अरे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने तो पहले ही उन्हें बाई एयर कमलपुर भेज दिया। सॉरी पहलवान भैया, हम लोग फुरफुरी नगर से आए हैं, ये जगह कमलपुर तो नहीं है ना? अरे ये कमलपुर ही है, लेकिन तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ। ये लो। ओए मोटू पतलू, मोटू पतलू सॉरी यार, वेरी सॉरी। तुम दोनों को मैंने अपनी नई कार देने से सीधा सीधा मना कर दिया था। अच्छे पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जाओ ले जाओ मेरी कार ले जाओ। थैंक यू बॉक्सर भैया, हम अभी अपना बैग लेकर आते हैं। चलो मोटू। बॉक्सर भैया की नई चमचमाती कार से कमलपुर चलते हैं। अब आएगा मजा।